Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा खुश होंगे। तो नाज़रीन, बकरा ईद की आमद आमद है, जानवर भी यकीनन आप सब लोगों ने ले लिए होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इस दफ़ा कुर्बानी का कौन सा जानवर लिया है। तो नाज़रीन, आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मैं एक इतनी अमेजिंग रेमेडी जो आपकी नानियों और दादियों ने ज़रूर अप्लाई किया होगा। और आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों की नानियाँ या दादियाँ हयात हैं तो उनकी स्किन कितनी प्यारी है, जबकि उस दौर में ना तो पॉलर्स इतने ज़्यादा होते थे और ना ही इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स वो लोग लिया करती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेमेडी। तो अपना फेस पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो चाहिए बेसन। बेसन आपने लेना है अराउंड 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास बेसन मौजूद नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ये आपके मॉइस्चर को लॉक करता है और जितना भी एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव करता है। इसके साथ ही हमें दूसरा इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो चाहिए आंबा हल्दी। अगर आपके पास आंबा हल्दी मौजूद नहीं है तो आप रेगुलर हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आप लोग अपने घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये आपको 1/4 टीस्पून चाहिए। मिक्स करने के बाद आपने इसमें अपना तीसरा इंग्रेडिएंट शामिल करना है और वो है रॉ मिल्क। कच्चा दूध अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप बॉइल्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने बलाई के बग़ैर इसको इस्तेमाल करना है, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप फुल क्रीम मिल्क इसमें यूज़ करेंगे। मिल्क आपने अराउंड 2-3 टेबलस्पून इसमें इस्तेमाल करना है। बस इसका पेस्ट अच्छा सा स्मूथ सा बन जाए आपने उतना ही इसके अंदर दूध इस्तेमाल करना है। अब करेंगे हम अपने मिक्सर की बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग। मिक्स करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होगा। आज की रेमेडी जो है इसके रिज़ल्ट बहुत इंस्टेंट हैं और इसको आपने इस ईद पर लाजमी ट्राई करना है, ताकि आप लोग ईद पर लश्कारे मारती हुई नज़र आएँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें अपना चौथा और आखिरी इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो है लेमन जूस। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे, अगर ड्राई है तो आपने रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना है। लेमन जूस आपने 1/2 टेबल स्पून इस्तेमाल करना है, और अगर आप रोज़ वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1-2 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है और आप लोग देख सकते हैं कि आपका मिक्सचर रेडी है। इसे बनाकर आप 2 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और 2 दिन के बाद आपने इसे डिस्कार्ड कर देना है, और जब भी इसको इस्तेमाल करना हो आपने इसको न्यूली बनाना है। इसको बनाने का तरीका जितना आसान है, इसको लगाने का तरीका उतना ही आसान है। आपने सिंपल क्या करना है, अपना फेस वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने ये फेस पैक अपने फेस पर, नेक पर और हाथों पर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। सर्कुलर डायरेक्शन में आपने सिर्फ 5 मिनट तक मसाज करना है, उसके बाद इसको ऐसे ही लगे रहने देना है। कम से कम भी 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट तक आपने इसे अपने फेस पर छोड़ देना है। जैसे ही आपका ये फेस पैक ड्राई होने लगे आपने सिंपल जाके ठंडे पानी से मुंह धो लेना है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी स्किन स्मूथ होगी बल्कि ब्राइट भी होगी और उस पर एक ग्लोई इफ़ेक्ट भी नज़र आएगा। आप अगर चाहें तो इसको रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब जब आपका दिल करता है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके फेशियल हेयर्स भी कम होंगे और ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लो करेगी और उस पर ब्राइटनेस भी नज़र आएगी। तो नाज़रीन, ये था हमारी नानी दादी का टोटका जो हम आज के दौर में भी अप्लाई करेंगे और अपने आप को उन्हीं की तरह खूबसूरत और हसीन बनाएंगे। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। तो नाज़रीन, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।